तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आप सभी कैसे आए हो? बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आज ब्रेड पिज़्ज़ा, वो भी तवे पर। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ले लिया एक बड़ा प्याज, एक शिमला मिर्च और एक बड़ा टमाटर। तो टमाटर का अंदर का पार्ट था ना पानी वाला, जो मैंने निकाल दिया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला है काला नमक। फ्रेंड्स काले नमक से इसमें बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट आया था, तो आधा चम्मच डाला है। आप क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बनाएं तो ज़्यादा डालें, कम बनाएं तो कम डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला, पूरा एक चम्मच नहीं डाला, थोड़ा सा खाली डाला है मैंने, अपने अकॉर्डिंग ही डाला है। और यहाँ पर अब मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च आप बच्चों के हिसाब से डाल सकते हो, कितनी तीखी या कम ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे डाला है मोज़रेला चीज़। आप पीस वाला ले आइए तो ग्रेट करके डाल सकते हो, मैं यहाँ पे ग्रेटेड वाला लाई थी। तो मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। तो मिक्स करने के बाद अब मैं शुरुआत करूँगी ब्रेड के ऊपर सारा मटेरियल लगाने की। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लो, मसाले एक दूसरे से लिपट जाएं। और ये मैंने चीज़ इसलिए डाला है इसमें थोड़ा सा क्योंकि इसकी बॉन्डिंग अच्छी आ जाती है इसमें। और ये ले लिया है मैंने पिज़्ज़ा सॉस। तो अच्छे से इस पर लगा लीजिए पहले। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं हो तो आप सिंपल वाला भी टमाटो केचप वगैरह लगा सकते हो। तो यहाँ पर मेरा जो तवा था उस पर तीन ब्रेड ही आ सकते थे, तो मैंने इसमें तीन ही ब्रेड लिए हैं। क्योंकि आपका जितना बड़ा हो, दो ब्रेड आ सकते हो तो दो लीजिए, आपका तीन या चार जितना बड़ा हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मेरे तवे पे आने वाले थे तीन, तो मैंने तीन ही ब्रेड लिए हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ये सारा मटेरियल यहाँ पे डाल दिया है। अच्छे से कोटिंग कर दूँगी मैं इस पर, इसी तरह आपको भी करना है। और एक बार प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखना, मेरे बच्चों को तो इतना पसंद आया था कि मेरा बेटा तो मेरे हिस्से का भी खा गया था। कह रहा था कि मम्मी अब दोबारा कब बनाओगी, दोनों बच्चे यही बोल रहे थे। तो ये बहुत ही टेस्टी है, तो ऐसे हमको कर लेना है। फिर ले लेना है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ को मैंने इस पर अच्छे से डाल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने तो इसलिए कम डाला था, पता नहीं पहला चांस है मेरा कैसे बना रही हूँ तो बनेगा कि नहीं, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग मीडियम स्तर से ही लिया था। तो ये इस पर डाल लेना है। और अब आपको ले लेना है यहाँ पे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और पेरी पेरी मसाला आपके पास हो तो डाल सकते हो। ये देखिए मैंने डाला है यहाँ पर ऑरिगेनो, जो पिज़्ज़ा पे हम लोग डालते हैं। और अब मैं डालूँगी यहाँ पर चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे अच्छे से डाल देना है। और यहाँ पे फिर डाला मैंने पेरी पेरी मसाला, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं, वरना ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इससे अच्छा टेस्ट आया था, मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसलिए डालती हूँ इसको। अब आ गई हूँ मैं गैस के पास। तो मैंने धीमी आँच पे तवे को रख लिया था, नॉन स्टिक पैन ही लेना आप। और इसका एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसका जो तला है वो मोटा होना चाहिए, वरना हमारा ब्रेड है, ब्रेड नीचे से जल जाएंगे जब हम पिज़्ज़ा मतलब सेकेंगे उसको, तो नीचे से वो जल सकता है। तो इसलिए मैंने पहले इस पे लगा लिया घी, अगर आपके पास बटर हो तो वो भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको सबको अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं इस तरीके से ढकूँगी जो मेरा स्पेस बना रहे और मेरा जो चीज़ है ना वो मेल्ड हो जाए अच्छे से, जैसे हमारे उस पर मार्केट वाले पिज़्ज़ा पे होता है। इसको मैं स्पेस करके ऐसे रख दूंगी, ये देखो यहाँ पे इस तरह से आपको रख देना है। और मेरे को 2 से 3 मिनट लगे थे इसको सिकने में, मेल्ड होने में। और यहाँ पे ये मेरा पिज़्ज़ा 3 मिनट के बाद सिक के तैयार हो गया है, और मैंने इसको कर लिया था कट। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगा था फ्रेंड्स।
आप भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, और अब मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स।